क्या करते हो? पढ़ते हो, पढ़ो भी, नौकरी करते तो करो, पढ़ो, इधर रह करके पढ़ सकते हो। हाँ, तो माँ बाप को बताओ, समझाओ, उनको बताओ ऐसा ऐसा ज्ञान है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसे कॉलेज में पढ़ना है, तो बताएंगे ना, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है तो बताएंगे ना, तब कॉलेज में जाएंगे ना। ना कुछ छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माँ बाप को बताओ ये कॉलेज में मुझे पढ़ना है तो पढ़ाएंगे ना। तो ये बोलो, ये आत्मा का इनको ला के दिखाओ, पिताजी को माताजी को, ये ज्ञान है, ये मुझे करना चाहिए, पढ़ाई है ये। हाँ, ऐसे कभी माउंट बोलेगी, फिर कहते ये पढ़ाई है, ये छोड़ो ये छोड़ो, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहना, मुझे पढ़ना। आप भी अगर आओ, आप भी पुण्य आत्मा बनेंगे, अच्छे बनेंगे। आप भी अगर आता है, आप पिताजी को भी लेके आओ, माँ बाप को लेके आओ, आप भी आओ। कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं ये नहीं करता हूँ, ये नहीं करो, कुछ नहीं कहना। पहले पहले सिर्फ ज्ञान सुनो, ठीक है? स्कूल में कॉलेज में जाते हो, ये छोड़ो कहते हैं, नहीं पढ़ो। पढ़ने के बाद कहेंगे यूनिफॉर्म पहन के आना, बैच लगाना, फिर बाद में धीरे धीरे बताएंगे, है ना? तो ऐसे यहाँ भी धीरे धीरे आएगा। पहले कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस कॉलेज में पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, है ना? तो इधर कोई कुछ नहीं कहता है। क्यों क्यों क्या देना था आपने? और कुछ कहा होगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, अगर कॉलेज में, इस कॉलेज में जाना है, मुझे कार चाहिए, ऐसे कहते हो कि हमारे पास ताकत नहीं इसलिए नहीं जाओ। आपने कहा इधर जाते हो तो ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा कुछ कहा होगा? नहीं तो उनको बोलो क्यों रोक। हाँ, चलिए कहाँ जाएंगे, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहाँ जाएगा? कल भी आप मेरे पास रखेंगे, कल शादी करके दे देंगे आप, कल आप ही भेजने वाले हो, मैं तो सारा जीवन आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे शादी करके दूसरों के पास क्यों भेजते हो? आप बताओ, किस दूसरों को बेचना चाहते हो मुझको? मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आप माँ बाप की सेवा करना चाहती हूँ, तो आप ही मेरे देवता हो, तो उनको समझाओ। आप मुझे कल शादी करके दूसरों के पास भेज देंगे, मैं दूसरों की सेवा करने के लिए जीवन में थोड़ी आई हूँ, माँ बाप की सेवा करना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, समझाने का तरीका चाहिए, सीजा तरीके से समझाओ। तो हम माँ बाप आपको घर में रखेंगे, बड़े हो गए, शादी कर, कल नौकरी लग गई, लखनऊ में लगे, घर में बिठाएंगे, लखनऊ में जाके वहाँ रहो, वहाँ खाना बना के कर, धूल मट्टी में वहाँ रहो, छोड़ेंगे ना कि घर में बिठाएंगे? तो आप बोलो, मैं माँ बाप के साथ रह, क्या आप मेरे सारे जीवन अंत तक मुझे पालना नहीं कर सकते हो? हाँ, तो क्या कहते हैं, मुझे आपके पास नहीं रहना है? सभी करते हैं, तो आप बताओ सभी करते हैं, लेकिन उनका हाथ, दुख देखो, दर्द देख लो, क्या हो रहा है? हाँ, तो करो, मुझे शादी करना है, मुझे शिव के साथ शादी करना, जैसे मीरा ने कृष्ण के साथ शादी किया, मुझे शिव के साथ। बारात लेके आएंगे, बहुत बड़े सेंटर में शिव का लिंग रखेंगे, और बारात माँ माँ मामा काका सबको लेके आओ, शिव की मूर्ति पर हार चढ़ाओ, शिव की मैं दुल्हन शिव की हूँ। तो सेंटर में बहन जी आपको बहुत बड़ा शिवलिंग रखेंगे। हाँ, एक बहन ने किया, उनके पिताजी बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था, तो सारा ढोल बजा कर, उनको पता ही नहीं है कि सब परिवार वाले, 500 परिवार वाले थे, सब ढोल बजा करके आ रहे थे, घोड़े पर बिठा कर लड़की को। सेंटर में बहुत बड़ा लिंग बना के रखा, और लिंग मंडप बनाया बहुत बड़ा, लिंग के अंदर आके उसने, ये मेरा साजन है, सब खुश कहते, ऐसा स्वयंवर कभी नहीं देखा, मैं शिव की सजनी हूं। तो ऐसा भी है, करके ऐसी हिम्मत कुछ कर, साधारण किसी के साथ शादी करके दे दो, वो तो साधारण चीज है, है ना? कोई ऐसी चीज काम करो, समझ में आया? तो कर, हिम्मत चाहिए ना, कोई ऐसे अपने आप नहीं था, युद्ध के मैदान में अपने आप नहीं, हर चीज करने के तरीके।